aldol condensation. Cross aldol condensation से मेरा मतलब है कि अगर हम दो different kind of aldehyde लेते हैं, या एक aldehyde ले लेते हैं और दूसरा ketone ले लेते हैं, या दो different ketone अगर हम ले लेते हैं, तो उस type की वहाँ पर aldol condensation को हम बोलेंगे cross aldol condensation. यहाँ पर मैंने example लिया है, एक तो ethanol और दूसरा मैंने लिया है propanol. वही पहले वाले ही आपको trick है, वो follow करना है. यहाँ पर ethanol को aldehyde जो group है इसको इस तरीके से open करके हमने लिखा है, और सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसका अल्फा एक हाइड्रोजन मैंने नीचे की तरफ बना लिया है. अब करना क्या है, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफर करना है. तो यहाँ पर ये बन जाएगा कंपाउंड इस तरीके से. अब ये सी एस थ्री ऊपर ट्रांसफर करना है हमको, क्योंकि जब हम मर्ज करेंगे तो ये वाला कार्बन ही इधर इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में कनेक्टेड होगा. ये इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. तो ये कार्बन इधर से अटैच होगा, तो ये सी एस थ्री ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पर. और जब हम इसको हीट करेंगे तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा, ओ एच यहाँ से और एच यहाँ से एलिमिनेट होगा. अगेन अगर वहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा एक पाई बॉन्ड. तो ये इस तरीके से बन जाएगा. पर यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया, एथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल. पर जब भी वहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है और हमारे पास में अगर दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास में मैक्सिमम फोर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बनते हैं. किस तरीके से बनेंगे, फर्स्ट केस तो मैंने आपको बताया ई प्लस पी का. सेकेंड केस ये हो सकता है वहाँ पर पी पहले आए और ई बाद में आए, मतलब प्रोपेनल अगर पहले अगर होगा तो उसका एल्डिहाइड ग्रुप है वो आगे लिखा जाएगा और एथेनॉल है वो पीछे आ जाएगा और उसका अल्फा हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा. थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि एथेनॉल प्लस एथेनॉल आपस में मर्ज हो जाए. फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है वहाँ पर प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल आपस में यहाँ पर कंबाइन हो जाए. तो इस तरीके से चार तरह के आपको वहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन.